दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी और एसएसपी आनंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जनता को जागरूक करना और असामाजिक तत्वों पर नजर रखना था। डीएम और एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का भी निरीक्षण किया। वहीं फ्लैग मार्च भागलपुर पुलिस लाइन से शुरू होकर पूरे शहर में निकाला गया, जिसमें सशस्त्र पुलिस बल के जवान सड़क पर कतारबद्ध होकर चल रहे थे। पुलिस ने इस अवसर पर लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और असामाजिक गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। मैं समस्त शहर वासियों को, समस्त भागलपुर वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि शहर में प्रशासन की तरफ से जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए थी हम लोगों ने मुहैया कराया है, और ये भी अपील करें कि यदि कहीं कोई कमी है तो हमें वो तुरंत बताएं ताकि हम लोग उसको और दुरुस्त करें। एक आग्रह विशेष रूप से मैं करूंगा कि शहर में गाड़ियों की संख्या उस अनुकूल में वो लिमिटेड रखें। हमने ई रिक्शा की भी व्यवस्था कराई है जो जगह जगह पर उनको दर्शन करा देंगे, और यातायात जितना सुगम रहेगा सभी के लिए बेहतर रहेगा। तो जगह जगह पार्किंग की भी व्यवस्था है, वो अपनी गाड़ी को पार्क करें और दर्शन करें और इस पूजा को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। पूरी तैयारी है और आज हमारे ओडीएम साहब के द्वारा कचहरी चौक से लेकर नाथ नगर तक का फ्लैग मार्च जो हमारी केंद्रीय बल जो हम लोग को प्राप्त हुआ है उसके साथ किया जा रहा है, और पूरे शहर को 8 सेक्टर्स में बांट के और मोटरसाइकिल गश्ती की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही साथ 3 दिन पूर्व ही जो सप्तमी अष्टमी नवमी और दशमी का जो यातायात की योजना है, ट्रैफिक प्लान है, उसको मीडिया से भी मीडिया के द्वारा पब्लिश भी किया गया है, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि किन रास्तों में गाड़ियों की रोक रहेगी। और सभी लोगों से ये अनुरोध है और उनसे अपेक्षा भी है कि प्रशासन को, पुलिस को इस पूरे त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में मदद करें, और जो भी जहाँ पर जो बंदिशें लगाई गई हैं उसका अनुपालन करें, ताकि आइए आपके लिए है और जो कोर एरियाज हैं, जैसा डीएम साहब बोले कि उनके वहाँ पर ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पे आपको एक पंडाल से दूसरे पंडाल जाने में असुविधा नहीं होगी। लेकिन नियमों का पालन करें, जो बंदिशें हैं उनको पालन करें, ताकि आप भी सही समय पर अपने घर पहुँच सकें, बाकी लोग भी सही समय पर अपने घर पहुँच। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सचिदानंद कॉलोनी में एक महिला का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतका की पहचान सोनी देवी के रूप में हुई है, जो पटना पुलिस बल में कार्यरत सिपाही आनंद कुमार की पत्नी बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तिलकामांझी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई, जिसके बाद एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया जो मामले से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। बताया जा रहा है कि सोनी देवी कुछ ही घंटे पहले पटना से भागलपुर लौटी थी, जहाँ वह अपने पति से मिलने गई थी। घर लौटने के बाद उनके बच्चों ने उनसे चॉकलेट मांगी, जिसके बाद सोनी देवी ने उन्हें पैसे दिए। जब बच्चे चॉकलेट लेकर वापस आए तो उन्होंने अपनी मां को फंदे से लटका हुआ पाया। मृतका का सबसे बड़ा बेटा 7 वर्षीय दीपक कक्षा 3 में पढ़ता है, और उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां को फोन पर कोई कई दिनों से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। सोनी देवी ने इस बारे में अपने पति को भी बताया था, और फोन नंबर ब्लॉक करने के बावजूद अलग अलग नंबरों से उन्हें तंग किया जा रहा था। वहीं दीपक के इस खुलासे के बाद पुलिस अब फोन डिटेल्स खंगाल रही है, ताकि ब्लैकमेलिंग के आरोपों की जाँच की जा सके। इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है, और 3 मासूम बच्चों के सिर से अचानक मां का साया उठ गया है। मृतका के अन्य 2 बेटे शिवम और ईशान भी बहुत छोटे हैं, जिनका इस हादसे के बाद रो रो कर बुरा हाल है। 1:50 PM को तिलकामांझी थाना प्रभारी को सूचना आ गई, सचिदानंद कॉलोनी में एक घर पे एक औरत सोनी देवी, उनका 36 साल का है, फांसी लगा दिया बारे में सूचना मिल गया। तुरंत थाना प्रभारी और सशस्त्र बल के साथ पहुंच करके जांच प्रारंभ किया गया है। फोरेंसिक टीम भी पहुंच के अभी जांच हो रहा है, जल्दी से इसमें कार्रवाई उद्वेदन करके दोष अपराधी कर्मियों को
कार्रवाई करें। प्रथम दृष्टि क्या लग रही है सर? प्रथम दृष्टिया देख रहे हैं या हैंगिंग का देख रहे हैं, क्या कारण क्या हो सकता है? कारण अभी अभी जांच चल रहा है। ठीक। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित टोटो की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल यह घटना उस समय घटी जब बच्ची अपने ननिहाल में घर के बाहर खेल रही थी। अनियंत्रित टोटो ने बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उससे पहले स्थानीय निजी अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्ची की पहचान साकुंड थाना क्षेत्र के कपसोना गाँव निवासी टीपू ठाकुर की 5 वर्षीय पुत्री मधु कुमारी के रूप में हुई है। बच्ची अपने ननिहाल सजौर थाना क्षेत्र के किशनपुर अम्माखोरिया गांव में रह रही थी। मृतक के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए बच्ची की मां अक्सर मायके में रहती थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक मधु कुमारी दो भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बच्ची के नाना सिकंदर ठाकुर ने बताया कि वह घर के बाहर खेल रही थी तब एक तेज रफ्तार टोटो ने उसे टक्कर मार दी। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार उसकी मौत रास्ते में ही हो गई थी। टोटो से धक्का लगा था घर के पास में। कहाँ का घर? हम खुबिया हुआ थाना सजौर। बच्ची वहाँ पे बैठ के कुछ खा रहा था, बिस्कुट वगैरह खा रहा था। उसी दरमियान टोटो उधर से आया, दक्षिण से आया, उसको धक्का मारते हुए मेरे दीवाल है, दीवाल में जाके टकराया, तब टोटो रुका। नहीं घटना से वहाँ से उसको उठाया, दर्बन मार के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला इसको मायागंज ले जाइए, फिर वहाँ से मायागंज ले जाते थे, दम तोड़ दिया। मधु कुमारी क्या उम्र थी? 5 साल। पिताजी टीपू ठाकुर। आपके? हम उसके नाना। मेरा नाम सिकंदर ठाकुर हुआ। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के डीजे 14 विवेक कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सपेरा मोहम्मद शमसूल को 10 साल की कैद और ₹1,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। दरअसल यह मामला वर्ष 2011 का है, जब मोहम्मद शमसूल ने पीरपैती के दुलदुनिया गांव में सांप का खेल दिखाते समय एक युवक को सांप से कटवा दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सरकार की ओर से मोहम्मद अकबर खान ने अदालत में इस केस की बहस की। घटना के अनुसार सपेरा मोहम्मद शमसूल ने दिवाकर रामबिंद नामक युवक के गले में सांप लपेट कर खेल दिखा रहा था। शमसूल ने दिवाकर को भरोसा दिलाया कि उसके पास मौजूद ताबीज के कारण सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद सांप ने दिवाकर को डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दिवाकर की मौत के बाद मोहम्मद शमसूल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इस घटना के बाद दिवाकर के परिवार ने सपेरे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद अब अदालत ने मोहम्मद शमसूल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। संवेद भागलपुर, समग्र सेवा और AID ने संयुक्त रूप से 2 से 9 अक्टूबर 2024 तक लालूचक, बुद्धूचक, हरिजंटोला, मसाड़ू और आसपास के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की। इस 7 दिवसीय अभियान के दौरान लगभग 450 राशन किट वितरित किए गए, जिसमें चावल, दाल, तेल, चूड़ा, दालमोट, सत्तू, दूध, प्लास्टिक और चना जैसी आवश्यक सामग्री शामिल थी। इस अवसर पर वार्ड नंबर 1 के पूर्व वार्ड पार्षद देवाशीष बनर्जी, वर्तमान वार्ड पार्षद प्रीति देवी, संवेद के निदेशक विक्रम कांत, शांति समिति के भवेश यादव, स्कैफ चैरिटी के टिंकू यादव, संवेद की वर्षा ऋतु, समग्र सेवा के सोनू और तबस्सुम उपस्थित। वहीं राशन वितरण को सुचारू रूप से चलाने में लालूचक के युवा समूह के सुनील मंडल, विजय कुमार, अरविंद, विपिन, हंसलाल, संजीव, राहुल, सुबोध, पिंटू, राजदेन और सन्नी का सहयोग रहा।